आप सबकी उस बात को, क्योंकि अलग अलग समय के ऊपर आप लोग भी बैठते रहे हैं, उसको पांच किया, आपकी तरफ से आया कि दस करो। मैं बात सुना रहा हूं, मैं बात सुना रहा हूं। फिर हमारे सरपंच साहब बैठे हैं मंच के ऊपर, वो भी साथ थे। फिर बात आई कि पंद्रह करो, मैंने कहा भाई ना तो पांच करेंगे और ना दस करेंगे, और जब करना ही है तो हमने सरपंचों के साथ वायदा भी किया था हमने सरपंचों के साथ आपकी समस्या को समझा है, ऐसा नहीं है। और आने वाले समय के अंदर आज मैं कई इसके सुधार करने वाला हूं। हमने कहा है कि हम पूरा सुधार करेंगे, आप सुनना, एक एक बात को सुनना। परंतु मैं सबसे पहले, फिर अंत में ये बात आई कि भाई इसको पूरा कर दो जो पीछे चल रहा था। परंतु मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं, हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकते हैं। एक और बात बताना चाहता हूं। नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। जब से ये जिम्मेवारी मेरे पास आई, मैं सरपंचों को मिल रहा था। कोई भी सरपंच ने अगर ये कह दिया भी यहां मिलना है, मैं कहा जा भाई। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। अगर कोई भी सरपंच इतने बैठे हैं यहां, पूरे प्रदेश का सरपंच ये नहीं कह सकता भी मुख्यमंत्री को हमने टाइम के लिए कहार दिया दी। मैंने तुरंत यदि बुला लिया, मैं कहा जो भाई। और ये अब की बात नहीं है, आगे भी अगर आपको मेरी कभी जरूरत पड़ेगी, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आ सकते। मैं अधिकारियों से भी बैठा हूं, इतने समय के अंदर चाहे कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था, मैं अधिकारियों के साथ भी बैठा हूं। मैंने अधिकारियों के साथ सरपंचों को और ठेकेदारों की भी बैठक कराई है, उसके अंदर भी बैठे हैं। फिर मैं एक दिन स्वयं भी बैठा हूं, मैंने कहा मैं भी समझ लूं, मखा क्या दिक्कत है रिया। परंतु उसके अंदर से जो मुझे निकल करके आया, जो आदरणीय मनोहर लाल जी की जो सोच थी, जो मैंने आपको कहा है, उनकी एक ही सोच थी कि मेरे सरपंच के प्रति कोई भी उंगली ना उठाए। हमने इस वित्त वर्ष के बजट में भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 7,276,000 करोड़ रुपया आवंटित किया है, जबकि हमारे से पहले की सरकारें, अगर हम 2013-14 की बात करें, मात्र 1,898 करोड़ रुपया की राशि आवंटित थी, 1,898 करोड़ रुपए की, और आज नरेंद्र मोदी जी ने उसको बढ़ा करके 7,276 करोड़ रुपया ये ग्रामीण विकास के लिए ये बजट का आवंटन किया है। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप जल्दी सुधार कर दें,
नहीं तो हम कर देंगे। तो आज कर दिया। ये आप लोगों की भावनाएं थी। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि हमने, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखिए आपका समय अभी लंबा है, परंतु मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने में 2 महीने बकाया है। आप मजबूती से अपना एस्टीमेट बनाएं, पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। आप लोगों को विकास के लिए हम खूब पैसा आपके पास देने का काम करेंगे। मैं एक और आज घोषणा करता हूं, आज एक और घोषणा करता हूं कि हम सबके सामने एक और बड़ी समस्या आती थी। समस्या आती थी कोई आप विकास के काम कर रहे हैं, आपने वहां पर मिट्टी का भर्त करना है, उस मिट्टी के भर्त में या तो गांव वाले करते थे, उनको बोल देते थे भाई मिट्टी गिर लो इंटा मैं लगवा दूंगा, है अच्छा हमने आज ये निर्णय किया है कि आप अगर मिट्टी की उस भर्त के लागत का एस्टीमेट अलग से बनाएंगे वो भी सरकार देगी। आज मैं सभी अपने सरपंच भाइयों को, क्योंकि आपकी एक ये भी शिकायत थी, मैंने सारी उनको समझा है, देखा है, मेरी बात सुनो। ओ भाई मेरी बात सुनो पहला, आप अभी तो काम चलाओ फिर आगे देखेंगे। दो जा मैं एक और मैं एक मिनट जी मैं बता दूं आपको, मैं भी बता रहा हूं बैठ जा जो समस्या आती थी। हमने आपकी समस्या को समझा है,
और समझ करके उसका निर्णय किया है। मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे सरपंच भाइयों के सामने एक ये बड़ी शिकायत रहती थी कि जई कहीं कहीं महीने तक एस्टिमेट नहीं बनाता, इससे काम में भी देरी होती थी। हम अब HEW पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर हमारे सरपंच ने जिस दिन रेजुलेशन पंचायत का पास किया उसके 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक जेई की जिम्मेवारी बन जाएगी कि उसका एस्टिमेट बनाना और उसका अपलोड करना। अगर 10 दिन से 11वां दिन हो गया, मैंने बता दिया, मखा अगर किसी भी सरपंच ने आका मेरे को यह कह दिया अभी 11वां दिन हो गया, बत्तेरे लड़ा फिर काम खराब हुआ, मखा फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमने एक और निर्णय किया है, जो चर्चा हमारे मंत्री जी ने की थी, हमने यह निर्णय किया है कि हमारे सरपंच को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, पंचायत के काम होते हैं, कुछ और भी कार्य होते हैं, उसका गाड़ी का या टैक्सी का आप लोग लेकर के जाएं तो उसका आप 16 रुपए किलोमीटर के प्रति क्लेम कर सकते हैं। और ये टीए क्लेम आप वीडियो को ही दे सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वहीं से क्लेम होगा और उसको स्वीकृति मिल जाएगी। ये निर्णय भी हमने किया है। आपकी एक और समस्या जो मेरे ध्यान में आई है कि कोर्ट में केसों की पैरवाई करने के लिए जो वकील हमें खड़े करने पड़ते थे, जिसकी चर्चा अभी महिपाल जी ने की है, मैं आज इस बात की भी घोषणा करता हूं कि जो जिला कोर्ट है, जिला स्तर या उपमंडल स्तर की कोर्ट है, केस जो पहले वकील के लिए 1100 रुपया फीस थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 5500 रुपया कर दिया है। इसके अलावा हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर आप वहां पैरवाई के लिए जाते हैं तो पहले ये 5500 रुपये थी, अब इसको 33000 रुपया कर दिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, इब गांव में कार्यक्रम होता था, गांव के अंदर कार्यक्रम हो रहा, राज्य स्तरीय सरपंच को पूछते नहीं थे, हमने उस प्रोटोकॉल के अंदर सरपंच को भी ला करके खड़ा कर दिया है कि अगर गांव में कार्यक्रम हो रहा है तो उसका स्थान SP और DC के साथ होगा। हमने ब्लॉक समिति का चेयरमैन है उसको ADC CGM के प्रोटोकॉल के बराबर रखा है। और अभी बात कर रहे थे, हमारी सभी पंचायतें कंप्यूटरीकृत हों, आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो, उसके लिए हमने 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए हैं।
आपकी कोई बात है अलग से मेरे से मिलना। कुछ गांव के अंदर वो ज्वाइन कर गए और कुछ गांव में वो ज्वाइन कर जाएंगे, ये हमने व्यवस्था की है। और हमारी सरकार ने ग्राम पंचायतों को अपने स्वयं के फंड से जीएम के माध्यम से, जेम के माध्यम से एक डेस्कटॉप प्रिंटर यूपीएस खरीदने की भी अनुमति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से हमारी पंचायतें आईटी में सक्षम आधुनिक हो जाएंगी और पंचायतें केंद्र और राज्य स्तर के पोर्टल को संचालित कर सकेंगी, ये हमने निर्णय किया है। सरपंचों को एक और समस्या ये आ रही थी कि जो छोटे ठेकेदार हैं, जो HEW पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, काम तो काफी ज्यादा ले लेते थे लेकिन उसे समय पर नहीं करते थे, दिक्कत आती थी, इससे गांव के विकास कार्यों में बाधा पड़ती थी। हमने अब निर्णय किया है कि जो अपंजीकृत ठेकेदार है अब एक वर्ष में वो 50 लाख रुपए के कार्य कर सकेगा। अगर वो काम ठीक करता है, अगर वो काम ठीक करता है और उसकी रिपोर्ट ठीक आएगी, वो पैरामीटर पे पूरा उतरेगा, तो उसके आगे 1 करोड़ रुपए के कार्य भी देने का निर्णय हमने किया है। इस समय जो पंचायत के खाते में ग्रांट की राशि जाते ही सरपंच के मोबाइल पर SMS आ जाता है, आता है नहीं आता, अब हमने ये भी निर्णय किया है कि जो भी बड़े ये टेंडर होंगे उसका SMS भी आपके पास पहुंचेगा, आप उसमें सम्मिलित होंगे, ये भी निर्णय हमने किया। आप सब पंचायतों में लगाए जा रहे टेंडर HEW पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके लिए सरपंच का लॉगिन HEW पोर्टल पर भी बनवाया गया है, आपका लॉगिन भी वहां पर हमने क्रिएट करवा दिया है, सभी सरपंचों का हो गया है, वो आप उसकी जानकारी HEW पोर्टल से आप ले सकते हैं, क्या क्या काम है उसका, OTP आएगा, OTP से आप लॉगिन कर जाएंगे अपने उसके अंदर। हमने ये भी निर्णय किया है कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में शेयर और बिजली खपत पर लगने वाला 2% बिजली दर सीधे पंचायत के खाते में जाएगी, इसकी व्यवस्था की है। पहले इसकी प्रक्रिया जटिल थी, पैसा समय पर नहीं पहुंचता था, अब हमने ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हर 2 माह में पंचायत के खाते में पैसा आ जाएगा और उसकी जानकारी SMS से आप तक पहुंच जाएगी। इस वर्ष 2024-25 में अब तक स्टाम्प ड्यूटी का शेयर 143 करोड़ रुपया 71 हुआ है, इससे संबंधित पंचायतों के खातों में जल्दी ही पहुंचा दिया जाएगा। दो प्रतिशत जो बिजली का था
157 करोड़ रुपया वो हमने पिछले दिनों में आपके पास भेजा है। अब हमने एक और निर्णय किया है कि गांव में पेयजल व्यवस्था का काम पब्लिक हेल्थ विभाग से ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर किया हुआ है। कुछ पब्लिक हेल्थ के जो ट्यूबवेल थे वो पंचायत को ट्रांसफर किए हुए थे, आप सबको जानकारी है उसकी। अनेक ग्राम पंचायतों की आय सीमित है और वे इस काम को, कोई अगर दिक्कत कोई खराब भी आ जाती थी गांव पंचायत करवाने में, उसमें दिक्कत महसूस करती थी। अब से ग्राम पंचायत जो मेंटेनेंस का रेजुलेशन पास करके देगी, पब्लिक हेल्थ उसकी पेमेंट तुरंत ग्राम पंचायत को करेगा, ये व्यवस्था हमने की है। अभी ग्राम पंचायत द्वारा एक और निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर किए जाने वाले आयोजन या कोई विशिष्ट अतिथि, कोई मंत्री गांव में आता उसके कार्यक्रम के लिए पंचायत फंड से जो खर्च करने का प्रावधान था वो 3000 रुपये था। अब हमने इसको बढ़ा करके 3000 रुपये से 30000 रुपया उसको कर दिया है। इसी प्रकार हमने राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए या राष्ट्रीय पर्व पर मिठाई बांटने के लिए, पंचायत की गतिविधियों के प्रचार करने इत्यादि पर खर्च की सीमा पहले 500 रुपये थी, अब इसको 5000 रुपया कर दिया है।